वेल हाय, दिस इज नॉट अ रिएक्शन रिव्यू और अ रोस्ट वीडियो। जब इस चैनल का इस ब्रह्मांड में भी स्पोर्ट हुआ था तो मैं ऐसी कुछ वीडियोस बनाया करता था जो म्यूजिक के बारे में यू नो जस्ट जनरल डिस्कशंस हुआ करती थी। और इस वीडियो में मैं बस कुछ म्यूजिक लिसनिंग थ्योरीज जो मैंने बनाई है बेसिकली उन पे कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। एंड थ्योरी बना म्यूजिक थ्योरी बना दी तूने, कौन सी म्यूजिक लिसनिंग, म्यूजिक को कैसे सुनना है? नाम तो बिल्कुल बहरे ही बैठे, मैं तो सुनना ही नहीं आता। अच्छा, कान से सुनना होता है म्यूजिक है? अरे हम तो सोचते हैं एडम्स एप्पल से सुनना होता है। अभी क्लियर कर देता हूँ सब कुछ। देखो, एक चीज मैं यूजुअली आप लोगों के कमेंट्स में नोटिस करता हूँ कि लोग पूछते रहते हैं कि भाई ये जो आप म्यूजिकल टर्म्स यूज करते हो अपनी वीडियोस में, ये कॉम्पोजिशन, अरेंजमेंट है, स्ट्रिंग्स, ये सब के बारे में एक अलग से वीडियो बनाओ, एक्सप्लेन करो इन वर्ड्स को। एक्जैक्टली ये वो वीडियो नहीं है। उसके पहले मैं एक बहुत ही बेसिक चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक बेस जो होता है ना कि हाँ ये चीज बता देना अगर मैंने आप लोगों को तो आगे की बातें आपको और आसानी होगी समझने में, यू नो सम मोर डोर्स विल ओपन फॉर यू। तो मैं किस तरह से म्यूजिक को देखता हूँ, मैं किस तरह से म्यूजिक को सीखता हूँ, मैंने क्या क्या नोटिस किया है म्यूजिक के बारे में। कोई हाई फाई टर्म यूज नहीं करूंगा इस वीडियो में, मैं बस सिर्फ एक आम कान के हिसाब से बातें करूंगा कि म्यूजिक को सुने कैसे बेसिकली। सो वेलकम टू अ क्लास वेयर यू लर्न हाउ टू लिसन टू म्यूजिक, राइट। अब कुछ लोगों को मेरी ये बनाई थ्योरीज बहुत ही ज्यादा लेम और यूजलेस लग सकती है कि भैया ये बातें हम सुन क्यों रहे हैं इस वीडियो में। ऑफ कोर्स म्यूजिक सुनना कोई हवा थोड़ी ना है, सभी जानते हैं भाई कैसे सुनना है। जी हाँ, ये बातें सब जानते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू अप्लाइंग दोस बातें तो कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो प्रैक्टिकल चीजों को सिर्फ करने के मोटिव से नहीं करते हैं, वो उन चीजों में थोड़ा डीप जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, जैसे मैं। तो जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड दीज थ्योरीज आई एम गोइंग टू टेल यू आर टोटली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस एंड दे आर माई एक्सपीरियंसेस ओनली। लेट्स स्टार्ट। तो देखो, म्यूजिक जब से मैंने सुनना शुरू किया है मैंने दो टाइप के म्यूजिक देखे हैं। वैसा म्यूजिक जो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए रह जाता है, दैट इज लॉन्ग लिव्ड म्यूजिक, और वैसा म्यूजिक जो हम सुनते हैं कुछ टाइम तक बट वो जल्दी हम भूल जाते हैं, तो ये होता है शॉर्ट लिव्ड म्यूजिक। तो पहले तो हम बात करते हैं इस शॉर्ट लिव्ड म्यूजिक की। अब इसमें भी कैटेगरीज होती है। एक कैटेगरी होती है लेस ब्रिलियंट म्यूजिक और एवरेज म्यूजिक, या फिर जिसमें ज्यादा मेहनत ना की गई हो। और मेरे लिए ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि टोनी कक्कर जी का म्यूजिक हो गया आजकल, और ये जितने भी कमर्शियल म्यूजिक होते हैं वो सब सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, कैसी लगते हैं जी। कुछ टाइम तक तो मैं भी उन गानों को एंजॉय करता हूँ, डार्क ट्रूथ गाइज, बट कुछ टाइम तक जब हम उन्हें निचोड़ देते हैं बिल्कुल ही, वो इरिटेट करने लगते हैं आपको, बिकॉज उन गानों में कुछ ऐसा एलिमेंट नहीं होता है जो खोजा जा सके, जो होता है आपके मुंह पे होता है कि वोकल्स हैं, म्यूजिक है, लिरिक्स हैं। ना लिरिक्स में कुछ गहराई, ना वोकल्स में कुछ ऐसा खास, और ना म्यूजिक में ऐसी कुछ क्रिएटिविटी डाली गई है कि ले भाई ये तेरे को एंजॉय करना है और तूने कर लिया एंजॉय, ठीक है, उसमें कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। इट्स जस्ट सिंपल म्यूजिक, इट्स जस्ट बेसिक फॉर्मूला ऑफ हाउ टू मेक अ ट्रेंडी म्यूजिक। अब इसी शॉर्ट लिव्ड म्यूजिक कैटेगरी में आते हैं एक और सब कैटेगरी में, जो कि है कैची बट अ लिटिल लेस डिटेल्ड म्यूजिक। एक्चुअली ऐसे गाने जिन्हें आप पहली बार सुन के बोलते हो कि ओ भाई क्या गाना है यार, इसे तो मैं जिंदगी भर सुनूंगा, बट असल में आप उन्हें हफ्ते भर सुन के मरगिल्ला कर देते हो। द रीजन इज बेसिकली ओवर लिसनिंग, कि हाँ मजा तो आ रहा है बट हम इन्हें सुन ही जा रहे हैं। सुनते सुनते क्या होता है, आप बोर हो जाते हो बेसिकली, और एक टाइम ऐसा आता है कि आप इरिटेट होने लगते हो उस साउंड से। एंड अनदर रीजन बिहाइंड गेटिंग बोर्ड ऑफ दोस सॉन्ग्स इज दैट दे आर नॉट सो ब्रिलियंटली डिटेल्ड। मेरे लिए एक एग्जांपल है खुदा और मोहब्बत सीरियल का गाना, पाकिस्तानी सीरियल गाना, जो बहुत ही सुंदर गाना है। आई यूज टू लिसन टू इट अ लॉट, और वो कैची पार्ट खासकर जो फीमेल पार्ट था उस गाने का, वो बहुत सुंदर लगा मुझे सुनने के, और मैं सुनता गया उस गाने को, इतना सुना मैंने कि आई रियलाइज्ड कि इस गाने में और कुछ बचा ही नहीं है सुनने के लिए। रिमेंबर दीज आर ऑल बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस ओनली। मैंने ऐसा नोटिस किया कि हाँ इस गाने में सिर्फ कॉम्पोजिशन ही अच्छी लग रही है मुझे, म्यूजिक में ऐसा कुछ डिटेल्ड है नहीं जो मैं सुन के ऐसा सरप्राइज हूँ कि हाँ यार इस गाने में ये भी था, ओ ये चीज़ तो मैंने नोटिस ही नहीं की। अब वो अलग बात है मैं कुछ दिन उस गाने को ना सुनूं और कुछ दिन बाद उस गाने को सुनूं तो मेरे को लगे कि अब यार ये चीज़ थी इस गाने में। सबके साथ होता है ये चीज़ आई एम श्योर। और एक थर्ड और एक बहुत ही रेयर केस, जब कोई गाना बहुत सुपर हिट हो जाता है रील्स पे, शॉर्ट्स पे, रेडियो पे, यू नो आप उस गाने को सुन सुन के इरिटेट हो जाते हो कि यार ये गाना क्यों बज रहा है हर जगह, मुझे सुनना ही नहीं है ये गाना, एंड यू गेट फ्रस्ट्रेटेड और आप इवेंचुअली उसे हेट करने लगते हो उस गाने को। मेरे केस में ऐसा हुआ था दिल इबादत गाने के साथ, जब वो नया नया रिलीज हुआ था मैं हर जगह सुनता था गाने, FM पे, रेडियो पे, 93.5 पे, एवरीवेयर मैन, तो मैं बोर हो गया था बेसिकली। बट इन केसेस में गाने की तो कोई गलती है नहीं, गाना तो बहुत बढ़िया बना है, बट ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको वो गाना हर जगह सुनाई दे रहा है, देन आपके दिमाग में एक ऐसी इमेज बन गई कि ये गाना तो यार हर जगह चल रहा है, मैं तो थक गया इस गाने से। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट डिपेंड ऑन लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग अ सॉन्ग फॉर डिफरेंट पीपल। वो तो मुझे बाद में पता चला कि दिल इबादत कितना म्यूजिकली रिच गाना है, मैं कितना पागल था इस गाने को जो हेट करता था। सो ये वो गाने हैं जो बेसिकली शॉर्ट लिव्ड म्यूजिक की कैटेगरी में आते हैं फॉर वेरियस रीजंस, फॉर देयर ओन फॉल्ट एंड फॉर योर ओन फॉल्ट। तो ये तो एक थ्योरी है। अब दूसरी थ्योरी बढ़ते हैं जो कि है लॉन्ग लाइफ वाले म्यूजिक पे। ये गाने जो होते हैं जो अमर रह जाते हैं आपके जीवन में, उनमें भी कुछ सब कैटेगरीज बनाई है मैंने। एक कैटेगरी है कैची म्यूजिक बट ब्रिलियंटली मेड म्यूजिक। अब ये
ये वो गाने होते हैं जो आप सुनते हो एंड यू गेट सम स्टिमुलेशंस, आपको ऐसा फील होता है कि आपको प्यार हो गया है, आपको ऐसा फील होता है कि आप बहुत दुखी हो गए हो, जो आपको फील करा दे, ऐसे गाने। टोनी कक्कर के गाने भी आपको फील कराते हैं डेफिनेटली, बट दे मेक यू फील क्रिंज, जोक्स अपार्ट दे मेक यू फील हैप्पी समटाइम्स। यस, म्यूजिक का काम है वो, बट सम सॉन्ग्स आर दैट गुड जो आपको रेयर इमोशंस फील कराते हैं, जैसे कि रोमांटिक इमोशंस, सैड इमोशंस एंड ऑल, यू नो दीज आर वेरी रेयर कि किसी गाने से स्टिमुलेट हो जाए। तो ऐसे गाने आपके जीवन में एक एक्सपीरियंस छोड़ के चले जाते हैं, आपके दिमाग में एक छाप छोड़ के चले जाते हैं, और आप उन गानों को एक ऐसे ड्रॉअर में रख देते हो अपने जीवन में कि यार ये गाने तो मुझे फील कराते हैं, मैं इन्हें संभाल के सुनूंगा। सो जब आप गाने को संभाल के सुनने लगते हो ना, उनकी लाइफ आपके लिए अपने आप बढ़ जाती है। एंड ऑल्सो देर आर टेक्निकल रीजंस बिहाइंड इट टू। अब आते हैं एक और एग्जांपल में, मेरे लिए एक गाना है गो सॉन्ग फ्रॉम कोक स्टूडियो। उस गाने में मैंने इतनी डिटेल्स नोटिस करी है ना, बार बार सुनने के बाद मुझे हर बार एक नई चीज सुनने को मिलती है, और वो सुन के मैं सोचता हूँ कि क्या ब्रिलियंट गाना बनाया यार। इट्स अ ग्रेट पीस ऑफ क्रिएटिविटी, और जब मैं किसी चीज को अप्रिशिएट करता हूँ तो मैं उसे संभाल के रख देता हूँ कि इस चीज को मैं संभाल के सुनूंगा, ये बहुत कीमती चीज है मेरे लिए। और एक और एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो तोफी राव का लॉन्च वर्जन, वो गाना भी क्या ब्रिलियंटली प्रोड्यूस किया है। उस गाने में ऐसे ऐसे एलिमेंट सुनने को मिलते हैं जो मैं कभी नहीं सुना किसी भी गाने में, तो वो सब सुन के लगता है कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी लेवल क्रिएटिविटी है। इनसे आपको स्टिमुलेशन मिल रही है, इनसे आपको सीख मिल रही है, इससे आपको इंस्पिरेशन मिल रही है। यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दीज काइंड ऑफ सॉन्ग, दैट्स व्हाई दे हैव लॉन्गर लाइफ। अब इसी कैटेगरी में एक और सब कैटेगरी है जो कि है बेसिकली आर्टिस्टिक म्यूजिक और रिस्पेक्टफुल म्यूजिक। जो गाना इतना खास होता है कि या तो आपने खुद उसकी खासियत नोटिस करी है, या तो आपने लोगों से सुना होता है उस गाने के बारे में कि यार ये तो रिस्पेक्टफुल गाना है, वो सुन सुन के आपके दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि हाँ यार ये लेजेंडरी गाना है। मेरे जीवन में एक ऐसा गाना है बोहेमियन रैप्सोडी जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था, बट लोगों से मैंने सुना कि यार ये बहुत टफ गाना है, ये दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स गाना टाइप है, मतलब अजीब है। अब मैंने जब वो गाना सुना तो मैंने सोचा था यार बनाने वाले के दिमाग में रहा होगा क्या कि वो ये चीज एम कर रहा है कि वो सबसे कॉम्प्लेक्स गाना बना रहा है, उसने ये बनाते टाइम सोचा था क्या। एंड व्हाइल लिसनिंग टू दैट सॉन्ग 5 to 10 times आई स्लोली रियलाइज्ड कि फ्रेडी मर्क्यूरी जो थे ही शोड कि वो कितने पैशनेट थे म्यूजिक के बारे में। लिरिक्स पढ़ेंगे अगर आप इस गाने के, तो दे आर जस्ट ब्लेटेंटली डिस्क्राइबिंग द पेन द पर्सन इज गोइंग थ्रू। वो पोएट्री जो लिखी है वो नेक्स्ट लेवल है यार। किस तरह से उसको एक्सप्रेस किया, किस तरह से उस चीज को कंपोज किया है, वो एक अलग क्रिएटिविटी है। अब क्योंकि मैंने पहले से लोगों से सुन रखा था कि ये गाना एक लेजेंडरी गाना है, ये सबसे कॉम्प्लेक्स गाना है, तो मैंने उस गाने को पॉजिटिवली अप्रोच किया क्योंकि मेरे दिमाग में एक पॉजिटिव इमेज बन चुकी थी उस गाने के लिए पहले ही। बट अगर मेरे दिमाग में एक नेगेटिव इमेज होती उस गाने को लेकर, तो मैं ऐसे देखता इस गाने को कि कुछ भी कंपोज कर दिया है, टेम्पो बढ़ा दिया, यहाँ पे कंपोजिशन अलग, यहाँ पे कंपोजिशन अलग, यहाँ पे रॉक एंड रोल चल रहा है, यहाँ पे दुखी वाला इमोशन चल रहा है, ये क्या भाई क्या बना है। म्यूजिशियन को कुछ पता ही नहीं था यहाँ पे कि मैं क्या कर रहा हूँ। दिस हैपेंस। बट अब एक्चुअली मैं उन इन्फ्लुएंसेस से उभर चुका हूँ, काफी मैंने म्यूजिक सुना, काफी पर्सपेक्टिव्स देखे मैंने म्यूजिक को लेकर लोगों के, अब मैंने खुद नोटिस किया कि ऐसा क्या खास है इस गाने में, एंड दैट सॉन्ग इज एक्चुअली खास। मोर एग्जांपल्स लाइक दीज आर गजल्स, गजल गाने जो होते हैं क्या पोएट्री होती है उनमें, आप उन पोएट्रीज को हल्के में नहीं ले सकते बॉस, दोस पोएट्रीज आर एन इंस्टीट्यूशन, दे आर बुक्स, आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो, किस शब्द से किस फीलिंग को बयां करना है, किस सिचुएशन को किस एग्जांपल से दिखाना है, मेटाफर्स एंड ऑल, ये चीजें आप बहुत आराम से सीख सकते हो गजल सुन सकते हो। सो दे डेफिनेटली कम इन द लेजेंडरी कैटेगरी फॉर मी। अब एक और ऐसा एग्जांपल अगर म्यूजिक के तौर पे मैं कहूँ तो मेरे लिए वो है हिटमैन गेम्स का साउंड ट्रैक। अब काफी लोगों को ये बहुत नई बात लगेगी, वीडियो गेम्स के साउंड ट्रैक्स बहुत कम लोग ध्यान दे पाते हैं, बट मैंने बचपन में हिटमैन गेम्स बहुत खेली है, जो पुरानी वाली हिटमैन गेम्स थी उनका जो म्यूजिक रहा करता था वो मेरे दिमाग में बैठ गया था। जब कोई बचपन से रिलेटेड चीज आपके दिमाग में बैठ जाती है और आप उसको जवानी में सुनते हैं तो बहुत नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है, तो वो फीलिंग लेने के लिए मैंने हिटमैन गेम्स के साउंडट्रैक को दोबारा सुनने की कोशिश की, एंड नाउ आई रियलाइज्ड बिकॉज नाउ आई हैव द अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट लेजेंडरी मास्टरपीसेस दे आर मैन। मैं हिटमैन के साउंडट्रैक के बारे में एक अलग से वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। तो ये तो मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार एक लेजेंडरी म्यूजिक कैटेगरी थी। नाउ देयर इज अनदर सब कैटेगरी जो म्यूजिक को आपके लिए अमर बना देती है, और ये कैटेगरी बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव कैटेगरी है। इट इज दैट कि आपके लिए वो गाना इसलिए अमर हो गया, वो गाना आपके दिमाग में इसलिए बैठ गया क्योंकि जब आपने वो गाना सुना था, जब आप वो गाना सुन रहे थे, तो आपके जीवन में कुछ बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो गया था, कुछ बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल हो गया था। तो वो गाना जब भी आप सुनते हैं वो मेमोरी आपके दिमाग में आ जाती है, वो यू रिलीव दोज मोमेंट्स, सो बिकॉज ऑफ दोज मोमेंट्स वो गाना आपके लिए स्पेशल बन जाता है। और ये बहुत ही सब्जेक्टिव रीजन है, ये बहुत ही पर्सनल रीजन होता है लोगों के लिए, क्योंकि आपका एक लाइफ का फेज जुड़ जाता है उन गानों के साथ। सो डेफिनेटली वो गाने दिल में एक स्पेशल जगह पे रहते हैं आपके लिए। सो ये तो दो टाइप के म्यूजिक थे, शॉर्ट लिव्ड एंड लॉन्ग लिव्ड। अब पॉइंट पे आते हैं कि मैं क्यों बक रहा हूं ये सब फालतू की चीजें। पॉइंट ये है कि हाउ टू लिसन टू म्यूजिक एंड हाउ टू नोटिस द सटल डिटेल्स इन म्यूजिक।
आपने कोई गाना पहली बार सुना, आपने एक इमेज बना ली अपने दिमाग में इस गाने के बारे में, एक बेसिक स्ट्रक्चर बन गया आपके दिमाग में, बस मैंने हाल दिल पहली बार सुना तो मैं ये गा रहा हूँ, वो वो बिकॉज इट्स कैची, वो दिमाग में बैठ गया आपके, बट यू डोंट नो द रेस्ट ऑफ द सॉन्ग। तो जितना आपके दिमाग में बैठा हुआ है उतना आपने रट लिया है, उतना अपने आप दिमाग में सेट हो गया आपके। नाउ जब आपने 15-20 बार ये गाना सुन लिया होगा, आप कुछ दिन का ब्रेक लेंगे, उसके बाद जब आप गाना दोबारा सुनेंगे तो आप उस पार्ट पे ध्यान नहीं देंगे जो आपको रटा हुआ था, क्योंकि वो आपके लिए नया नहीं है। आप उस गाने में कुछ नई चीजें नोटिस करने लेंगे खुद ब खुद कि अच्छा ये जो हाल ही दिल में वो आ रहा है इसमें फीमेल वोकल्स भी है बैकग्राउंड में, इस पे फॉल्सेटो वोकल्स भी है, इसमें हार्मोनीज भी है। ये चीजें आप बाद में खुद नोटिस करने लगेंगे, ये चीज अपने आप होती है। अगर आपने ऐसा नहीं किया कभी तो एक बार ट्राई करके देखना जरूर, कभी कोई गाना सुनना और कुछ दिन का ब्रेक लेना, फिर उसके बाद सुनना, आप कुछ ना कुछ डेफिनेटली नया सुनोगे उस गाने में। और ध्यान सुनना, ये नहीं कि जैसे भी खुदाई हो रही है वहां पे बीचों बीच बैठ गए गड्ढे में और लाउड स्पीकर पर चला दिया गाना और रो रहे हैं हमें तो सुनाई नहीं दे रहा कुछ, डोंट डू दैट। और अब आते हैं दोबारा उन कैटेगरीज में, शॉर्ट लिव्ड एंड लॉन्ग लिव्ड म्यूजिक की कैटेगरीज में। तो लॉन्ग लिव्ड म्यूजिक की कैटेगरी में तो कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट लिव्ड म्यूजिक की कैटेगरी में अगर आपके लिए कोई गाना है और अगर आप चाहते हैं कि मैं वो गाना और सुनूं, मैं उस गाने जल्दी बोर ना हूं, तो मैं क्या करता हूं मैं ये बताता हूं आपको। कोई गाना जब होता है तो मैं उस गाने को महीने महीने के ब्रेक में सुनता हूं, एंजॉय फुल करता हूं जब भी सुनता हूं, बट ब्रेक ले लेके सुनता हूँ। मान लीजिए 6 साल बाद में बोर हो गया उस गाने से, तो मैं एक एक साल के गैप में सुनता हूँ उस गाने को, बट सुनता हूँ, इंजॉय भी उतना ही करता हूँ। दिस इज हाउ यू इंक्रीज द लाइफ बाय योरसेल्फ, ये आपके ऊपर है। बट अगर गाने में ही लाइफ नहीं होगी तो आप कितना भी कुछ कर लो कुछ नहीं होने वाला। सो दिस वॉज बेसिकली अ थ्योरेटिकल डिस्कशन अबाउट म्यूजिक, कैसे सुना जाए, कैसे समझा जाए। अब ये एक दृष्टिकोण बना लीजिए आप कि मैं इस दृष्टिकोण से म्यूजिक को देखता हूँ, और इस दृष्टिकोण से आप बाकी की वीडियोस देखनी शुरू करिए मेरी, तो आप मेरी बातों से शायद ज्यादा रिलेट कर पाए। और अगर अच्छा लगे कॉन्सेप्ट तो लाइक वाइक कर दो, एक लाइक आ गया इस वीडियो में तो मैं समझ जाऊंगा अच्छा लगा कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये बता जेसीबी की खुदाई में टोनी के गाने भी नहीं सुनने चाहिए? वो तो कहीं नहीं सुनने चाहिए यार।